हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल स्टूडेंट्स आर जॉइन। हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस? मैम मैम ओके, सब लोग आए स्टार्ट करने का या फिर वेट करने का एक दो मिनट का? ओके ओके स्टार्ट करने का या फिर वेट करने का थोड़ा टाइम? मैम स्टार्ट करो, मैम स्टार्ट करो। ओके ठीक है, करते चलो स्टार्ट। ओके सी, मैं तुम लोगों का बॉटनी पेपर थ्री लेने वाली हूँ, ठीक है? बॉटनी का पेपर थ्री लेने वाली हूँ। अब तक तुम लोगों ने FY में क्या देखे होंगे, बॉटनी को दो पेपर स्टडी किए हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अभी तुम लोगों को इस सेमेस्टर में, सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर्थ में बॉटनी के थ्री पेपर स्टडी करने के, कौन से है? बॉटनी वन, बॉटनी सेकंड एंड बॉटनी थ्री, ठीक है? और मैं तुम लोगों को बॉटनी थ्री पेपर लेने वाली हूँ। और बॉटनी थ्री पेपर का नेम क्या है? करंट ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस पार्ट वन। क्या है तुम लोगों के पेपर का नाम? पेपर थ्री का नाम क्या है? करंट ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस वन। ओके और तुम लोगों का पेपर कोड क्या है? USBO 303, ठीक है? तुम लोगों का पेपर कोड क्या है? USBO 303, ठीक है? 303 क्या है? सेमेस्टर थ्री का थर्ड पेपर। ओके, बीओ मीन्स बॉटनी थ्री, बीओ मीन्स बॉटनी थ्री फॉर थर्ड पेपर एंड सेमेस्टर थ्री, ठीक है? देखो तुम लोगों को यहाँ पे थ्री यूनिट स्टडी करने के, कितने यूनिट स्टडी करने के हैं? थ्री यूनिट्स स्टडी करने के हैं। देखो उसमें फर्स्ट यूनिट कौन सा है, तो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फर्स्ट यूनिट कौन सा है? फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। उसमें तुम लोगों को टोटल 5 पॉइंट स्टडी करने के। यूनिट फर्स्ट में तुम लोगों को कितने पॉइंट स्टडी करने के? 5 पॉइंट स्टडी करने के। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। क्या देखने का है? फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है, उसका स्टडी करने का, उसका इंट्रोडक्शन देखने का, एक्चुअल में वो क्या है, वो सब तुम लोगों को वहाँ पे स्टडी करने का है, ठीक है? फिर सेकेंड पॉइंट में तुम लोगों को क्या देखने का है, तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है वो देखने का है। अभी फर्स्ट में तुम लोग क्या देखोगे, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया, मतलब अभी उसमें तुम लोग पूरा वर्ल्ड के वाइज देखोगे, वर्ल्ड में फार्माकोपिया क्या है, मतलब वो क्या है रहता है एक्चुअल में, वहाँ पे क्या रहते हैं, एक कैटलॉग रहता है जिसमें पूरे क्या रहते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में वहाँ पे क्या रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है, उसका पूरी डिटेल स्टडी रहती है। तो नेक्स्ट क्या देखने का है, तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है, देन उसके बाद क्या है, तो इंडियन हर्बल फार्माकोपिया क्या है वो स्टडी करने का है, एंड आयुर्वेदिक फार्माकोपिया क्या है वो स्टडी करने का है। सेकेंड पॉइंट में क्या क्या देखने का है, इंडियन फार्माकोपिया देखने का है, फिर उसके बाद क्या देखने का है, इंडियन हर्बल फार्माकोपिया क्या है वो स्टडी करने का है, और फिर उसके बाद क्या स्टडी करने का है, तो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया क्या है वो स्टडी करने का है। ओके, फिर उसके बाद क्या देखने का है, तो स्टडी ऑफ मोनोग्राफ फॉर फार्माकोपिया। क्या देखने का है, तो स्टडी ऑफ मोनोग्राफ फ्रॉम
फार्माकोपिया। अभी वहाँ पे मोनोग्राफ क्या है, उसकी स्टडी कैसे की जाती है, किसके ऊपर से उसकी स्टडी करने की है, तो फार्माकोपिया के ऊपर से उसकी स्टडी करने की है। स्टडी करने के लिए उसके क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या क्राइटेरियाज है, वो सब वहाँ पे क्या करने के है, स्टडी करने के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखने के हैं। अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, वो तुम लोगों ने लास्ट ईयर में देखे होंगे शायद। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या देखने के, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, कैसे रहते हो, उनके सोर्सेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, अडल्टरेंट्स क्या है, देन उसके रीजनल एंड सीजनल वैरायटीज क्या है, वेरिएशंस क्या क्या आते हैं उसमें, वो सब स्टडी करने का है तुम लोगों को। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या स्टडी करने का है, उसके सोर्सेस क्या है, किसके सोर्सेस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सोर्सेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देन उसके यूजेस क्या है, उसके लिए अगर अडल्टरेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं, या फिर उसके रीजनल कोई कोई एक जगह होगी वहां में उसके क्या वेरिएशंस दिखाई देते हैं, अगर सीजन चेंज होता है तो सीजन में उसमें क्या क्या वेरिएशंस दिखाई देते हैं, वो सब स्टडी करने का। फिर उसके बाद क्या है, तो अडल्टरेंट्स, अभी अडल्टरेंट्स कौन से दिए हुए तुम लोगों को, वो स्टडी करने का। फर्स्ट कौन सा है, तो सराका असुका, फर्स्ट कौन सा प्लांट है, सराका अशोका। फिर नेक्स्ट क्या है, तो सराका अशोका तुम लोगों को कौन सा है मालूम है, आगे जाते हो तुम लोगों को मैं बाद में बताते जाऊंगी। फिर नेक्स्ट क्या है, तो पॉली एल्थिया लॉन्जिफोलिया, नेक्स्ट कौन सा प्लांट है, पॉली एल्थिया लॉन्जिफोलिया। पॉली एल्थिया लॉन्जिफोलिया तुम लोगों ने देखा है कॉलेज के कैंपस में एंटर करते तुम लोगों को देखो दिखाई देते हो प्लांट, अशोका का ट्री है वहां पे बड़ा सा क्रिसमस ट्री के जैसा है, देखो मतलब कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर है उसका, देखा है वो कौन सा है, पॉलीएल्थिया लॉन्जिफोलिया। फिर नेक्स्ट कौन सा है, तो टर्मिनालिया अर्जुना, कौन सा प्लांट देखने का है, टर्मिनालिया अर्जुना देखने का है। फिर उसके बाद क्या देखने का है, तो टर्मिनालिया टोमेनलोसा देखने का है, क्या देखने का है, टर्मिनालिया सॉरी फोमेनलोसा देखने का है। फिर उसके बाद क्या देखने का है, बैकोपा मोनेरी देखने का है, क्या देखने का है, बैकोपा मोनेरी देखने का है। फिर उसके बाद क्या देखने का है, सेंटेला एसियरिका देखने का है। फिर उसके बाद एवरिस देखने का है, देन उसके बाद क्या देखने का है, फाइलेंथस एमरस देखने का है। फिर उसके बाद क्या देखने का है, ग्लाइसेराइजा देखने का है। ये सब क्या है, तो अडल्टरेंट्स प्लांट्स है। जो फाइलेंथस एमरस है वो क्या है, तुम लोग एज अ वीड हर जगह पे वो बारिश के सीजन में आ जाता है, तो एज अ वीड करके उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, मतलब वीड है बोलते तो प्लांट देखते नहीं, लेकिन वो एक्चुअल क्या है, तो एक मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, वो सब तो अपने को क्या करने का है, बाद में स्टडी करने का है। ये क्या था, यूनिट फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट कौन सा था, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में ये सब बातें अपने को क्या करने की, ये सब पॉइंट्स अपने को स्टडी करने के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यूनिट नंबर सेकेंड। अभी यूनिट सेकेंड क्या है, तो फॉरेस्ट्री एंड इकोनॉमिक बॉटनी, क्या है यूनिट सेकेंड कौन सा है, फॉरेस्ट्री एंड इकोनॉमिक बॉटनी। अभी फॉरेस्ट्री एंड इकोनॉमिक बॉटनी में क्या क्या स्टडी करने का है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो फॉरेस्ट्री। अभी फॉरेस्ट्री में क्या देखने का है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया में कौन से है, उसकी एक आउटलाइन देखने की है। ठीक है, मतलब इंडिया में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट है, वो क्या करने के, उसकी आउटलाइन देखने के, एक जनरल आउटलाइन देखने के, उसको डिटेल में स्टडी नहीं करने के, सिर्फ उसकी आउटलाइन देखने के। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट कौन सा है, तो फॉरेस्ट्री का ही एग्रोफॉरेस्ट्री कौन सा है, उसमें क्या स्टडी करने का, अभी एग्रोफॉरेस्ट्री को स्टडी करने का। फिर उसके बाद क्या स्टडी करने का है, तो अर्बन फॉरेस्ट्री कैसी रहती है उसे स्टडी करने का। फिर उसके बाद क्या है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी है, वो कैसी होती है, उसको कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, वो सब स्टडी करने का है।
फिर उसके बाद क्या स्टडी करने का है, तो सिल्वी कल्चर स्टडी करने का। ये सब बातें किसमें स्टडी करने के, अपने को फॉरेस्ट्री में स्टडी करने के यूनिट सेकंड में। फिर उसके बाद पॉइंट कौन सा है, तो इकोनॉमिक बॉटनी। अभी इकोनॉमिक बॉटनी क्या है, वो स्टडी करने की है। अभी इकोनॉमिक बॉटनी में और क्या स्टडी करने का है, तो फर्स्ट उसमें क्या स्टडी करने का है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर स्टडी करने के। क्या स्टडी करने का है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर स्टडी करने के। अभी फाइबर्स में क्या देखने का है, तो एक जूट फाइबर देखने का है एंड कॉटन फाइबर देखने का है। ठीक है, वहां पे दो प्लांट्स देखने के। फाइबर्स में क्या करने का है, सिर्फ दो प्लांट्स देखने के हैं। दो प्लांट्स कौन से स्टडी करने के हैं, फर्स्ट है जूट एंड सेकेंड है कॉटन। ठीक है, कॉटन का प्लांट सबको मालूम है, बोलो रिस्पॉन्स दो। कॉटन का प्लांट मालूम? यस मैम, यस मैम। ओके, यस मैम, यस मैम। ओके ओके, फिर उसके बाद क्या है, जूट। जूट भी मालूम है तुम लोगों को, कोकोनट के हस्के बनाते हैं। यस मैम, हां यस मैम, यस मैम। ओके, फिर उसके बाद क्या देखने का है, तो करंट ट्रेंड्स इन फाइबर इंडस्ट्रीज। अभी क्या देखे, फाइबर्स कौन से हो देखे, जूट एंड कॉटन देखे। अभी उसके फाइबर इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे ट्रेंड्स है वो देखने का है, करंट ट्रेंड्स उसके स्टडी करने के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या स्टडी करने का है, तो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट स्टडी करने के। क्या स्टडी करने के, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट स्टडी करने के। अभी उसमें भी बहुत सारे स्पाइसेस इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड में भी बहुत सारे स्पाइसेस अवेलेबल है, लेकिन उसमें से अपने को क्या स्टडी करने का है, तो सैफ्रॉन एंड कार्डेमम अपने को स्टडी करने का। दो प्लांट्स अपने को स्टडी करने के, कौन से, सैफ्रॉन एंड कार्डेमम अपने को स्टडी करने का। और फिर उसके बाद क्या देखने का है, तो स्पाइसेस का कमर्शियल मार्केट क्या है वो स्टडी करने का है। ठीक है, क्या स्टडी करने का है, स्पाइसेस का कमर्शियल मार्केट कैसा है, वो सब बातें अपने को स्टडी करने की। ठीक है, मतलब सॉरी, यूनिट सेकंड में क्या देखने का है, फॉरेस्ट्री एंड इकोनॉमिक बॉटनी में, तो सबसे पहले क्या देख ली की है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विच आर अवेलेबल इन इंडिया, उसकी क्या देखने की है, एक आउटलाइन देखने की है। फिर उसके बाद क्या देखने का है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिल्वी कल्चर के बारे में क्या करने के, स्टडी करने के, उसको डिस्कस करने के। देन इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी में क्या स्टडी करने का है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन विच वी स्टडीड जूट एंड कॉटन, राइट। आफ्टर दैट करंट ट्रेंड्स ऑफ फाइबर इंडस्ट्री स्टडी करने का है। उसके बाद क्या देखने का है, तो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स के बारे में स्टडी करने का है। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में क्या स्टडी करने का है, तो सैफ्रन एंड कार्डेमम के बारे में स्टडी करने का है। एंड उसके बाद क्या देखने का है, तो कमर्शियल मार्केट ऑफ स्पाइसेस स्टडी करने का। ओके, ये था यूनिट सेकेंड। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो यूनिट थ्री। यूनिट थ्री क्या है, तो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन प्लांट प्रोडक्ट। क्या है यूनिट थ्री, कौन सा है, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन प्लांट प्रोडक्ट। अभी ये सब क्या है, तो उसमें कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो एरोमाथेरेपी। अभी एरोमाथेरेपी क्या है, वो सब उसका इंट्रोडक्शन देखने का, मतलब एरोमाथेरेपी क्यों की जाती है या फिर वो एक्चुअल में क्या है वो स्टडी करने का है। फिर एरोमाथेरेपी के बाद क्या देखने का है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखने के, यूजेस देखने के, और यूजेस देखते देखते उसके क्या देखने के, कुछ एग्जाम्पल देखने के जो थेरेपी के लिए यूज, कौन से एग्जाम्पल स्टडी करने का है, तो जोजोपा स्टडी करने का है, फिर उसके बाद लेमन, देन जास्मिन। ये थ्री एग्जाम्पल्स है, थ्री एग्जाम्पल्स को क्या है, एरोमाथेरेपी में क्या है उसका यूजेस, उसका स्टडी करने के उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद तो बॉटनिकल एंड क्लियर, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंसेस होंगे वो स्टडी कर। किसके बॉटनिक से स्टडी कर रहे के लिए ना, एक
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो एंजाइम्स इंडस्ट्री। अभी एंजाइम इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, क्या उसमें तो सेलुलेजेस है वो देखने के आ रहे थे, वो स्टडी करने का है। फिर उसके बाद क्या है, तो पैपिन क्या है उसके बारे में स्टडी करने की है। देन ब्रोमेलिन क्या है उसके बारे में स्टडी करने के, उसकी पूरी डिटेल स्टडी करने के, आउटलाइन देखने की, वो एक्चुअल में क्या रहते हैं, उसकी क्या यूज है प्लांट प्रोडक्ट्स में, वो सब देखने का है। और फिर लास्ट पॉइंट क्या है, तो बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स के बारे में अपने को क्या करने की है, स्टडी करने की। ठीक है, ये था अपना यूनिट 3 और ये टोटल सिलेबस था पेपर 3 का, कौन सा, करंट ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस पार्ट 1। ठीक है, ये पेपर है, पेपर पूरा का पूरा कैसा है, तो एडवांस बॉटनी के बारे में डिस्कस करता है, एडवांस स्टडी है इसमें। ठीक है, एनी डाउट्स? नो मैम। अगर किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो डाउट्स अभी पूछ लो, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, यू डोंट डाउट्स, सबको समझ में आया है? ओके, लिसन एवरीवन, मैं तुम लोगों को उसके नोट्स दे लो। ठीक है, अपना लेक्चर रहेगा तब उसके बारे में स्टडी करते जाएंगे। ठीक, तो नोट्स लिख करो तुम लोगों को मैं। ओके ओके मैम, स्टडी करो अच्छे से। अटेंडेंस लेने को सिर्फ 23 स्टूडेंट्स है इस वाई में। पता नहीं मैम, एडमिशन हुए नहीं है, किसी ने ज्वाइन भी नहीं किए ग्रुप में, तो सब है पहले वाले, सिर्फ एक निकला था।